जो हम एक दूसरे को अलग कर रहे हैं, ये जात एक हमारे अंदर की एप्टीट्यूड है, माने हमारा उस तरफ लगान झुकाव है, जिसको झुका परमात्मा की ओर है उसी को ब्राह्मण कहा जा सकता। उस हिसाब से वाल्मीकि ब्राह्मण थे और व्यास भी ब्राह्मण थे। तो कर्म के अनुसार अपने यहां जात बहुत देर बाद मानी गई और उसको बार बार जो जो बड़े बड़े अवतरण हुए उन्होंने खंडित कर दिया। आप कबीरदास जी के बारे में जानते हैं कि उनके गुरु ब्राह्मण थे और एक दिन उनको वो जाकर के उनके रास्ते में लेट गए। जब इनके पांव उनको लगे, उन्होंने उनके चरण पकड़ लिए, क्योंकि वो पहुंचे पुरुष थे, उनका ठीक है, उन्होंने अपने साथ ले गए और उनको मान लिया और उनका बड़ा महत्व किया। तो नामदेव बहुत बड़े एक कवि थे महाराष्ट्र में, जो कि दर्जी थे, उनकी नौकरानी तो कोई तो भी नीचे जात की स्त्री रही होगी, वो तक उसकी भी कविताएं ग्रंथ साहब में, और नामदेव जी की तो है ही। गुरु नानक जी ने ये सब पहचाना क्यों? क्योंकि वो भी पहुंचे हुए पुरुष थे। जो वहां पहुंच जाते हैं वो समझते हैं कि कौन असल में है और कौन नकल में। तो जो नकल में धर्म हो रहे हैं, जिससे हम लोग घबरा जाते हैं, उनके लिए हमें तैयार होना चाहिए, उनके प्रति तैयार रखनी चाहिए, क्योंकि वो अंधे हैं। जैसे कबीरदास जी ने कहा, कैसे समझाऊं सब जगह अंधा। जो अंधे लोग हैं वो ऐसे ही अंधेपन में रहते, कोई कहेगा मैं ईसाई हूं, कोई कहेगा मैं मुसलमान हूं, कोई कहेगा मैं सिख हूं। जैसे ही आप कहेंगे कि मैं ये हूं, आप अपने को अलग हटा लेते। लेकिन सहयोग में आप समझ गए हैं कि सब धर्म का तत्व एक है, हम सब धर्म को मानते हैं। जैसे ही हम सब धर्म को मानने लग गए, तब ये जो फंडामेंटलिज्म, जो आज का प्रश्न है, आज का प्रश्न यही है, धर्म धर्मांधता, इसमें जो आज झगड़े सारे विश्व में फैले हुए, एकदम खत्म हो जाएंगे। जैसे ही आपने ये सोच लिया कि सभी धर्म का तत्व एक ही है, पर सोचने से भी नहीं होगा, ये अंदर आत्मसात होना चाहिए, ये हमारे अंदर बैठना चाहिए, और वो आप लोगों में बैठ गया, सारे विश्व में बैठ गया। आपको पता है सहयोग में मुसलमान है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, सिख है, बुद्धिस्ट है, हर तरह के लोग इसमें आए, और सब अपने अपने धर्म तो पाल ही रहे हैं, पर जब वो अपने को पाल रहे हैं तभी वो विश्व धर्म को भी पाल रहे हैं। जब आपने एक विश्व धर्म को मान लिया, उस विश्व धर्म में सारे ही धर्म हैं और सब धर्मों का मान करना, यही सुज्ञता है, यही समझ की बात है, और सब अवतरणों का मान करना, जितने भी आज तक बड़े बड़े संत साधु दृष्टा हो गए, सबका मान करना, ये सिर्फ कहने से नहीं होता, समझाने से नहीं हो सकता, ये आत्मा के प्रकाश में अपने आप अंदर बैठ जाता है, उसको फिर कहने की जरूरत नहीं। तो अब आप सोचे कि आप सहयोगी हो गए, सहयोगी हो गए माने आप बढ़िया लोग हो गए। देखिए, आप किसी को मर्डर नहीं कर सकते, आप किसका कत्ल नहीं कर सकते, आप किसी की कोई चीज छीन नहीं सकते, आप चोरी चकारी कुछ नहीं कर सकते, करते ही नहीं माने कर सकते नहीं माने करते, आप किसी की बुराई नहीं करते, आप किसी को नीचे खींचने की प्रयत्न नहीं करते, या आप किसी भी प्रतिस्पर्धा कंपटीशन में नहीं पड़ते, आपको ये नहीं लगता कि मैं इसकी खोपड़ी में जाकर बैठ जाऊं, इसकी गर्दन काट लूं, जहां है वहां समाधान में आप बैठे और अपने ही आप उन्नत हो रहे हैं।
आप किसी के साथ दुष्टता नहीं करते। देखिए सास होती है, बहू होती है, कभी बहू सास को सताती, कभी सास बहू को सताती, पर सहयोग में ये प्रकार बहुत कम दिखाई नहीं। ऐसे ही आपकी गृहस्थी में आदमियों की और औरतों की जो स्थिति है वो विशेष, पति पत्नी में आपस में पूरी तरह से ऐसी एक तांता है कि पति किसी और औरतों की ओर देखता नहीं और स्त्री किसी और औरत के आदमी की ओर देखती। इतनी शुद्धता है कि हमारे यहाँ कितने ही सहयोगी हैं और कितने ही सहयोगिनी है, कोई बहुत खूबसूरत है, कोई नहीं है, और कोई बहुत खूबसूरत आदमी है, कोई कुछ है, जिसका बाह्य का आकर्षण जो लोगों को होता है वो आप नहीं रहे, क्योंकि आप स्वाभिमान में हैं, आपको अपने स्व का अभिमान है, आपकी आंख ठहर गई, आपकी आंख अब चंचल नहीं रही, इधर उधर नहीं घूमती, आपकी आंख अपने ही आप ठहर गई है, और अब ये सब होता ही नहीं, आपकी नजर ही नहीं इन चीजों पे पड़ती, आपके दिमाग ही में ये बात नहीं आती, आप ही तो आप, आपके बच्चे भी, और इसी तरह से जब आपके माँ बाप भी आपको देखते हैं तो वो भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अभिभूत हो जाते हैं कि देखो कैसे ये हो गए, ये लोग ये चोरी नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, मारते नहीं, पीटते नहीं, कोई दंगा नहीं, फसाद नहीं, कुछ नहीं, ये शांतिमय है, इतने आनंद में, ये सब आप लोग हो गए। और फिर मुझे लोग कहते हैं कि आप किसी इतनी बीमारी ठीक करते हैं, कुछ करते हैं, आप पैसा नहीं लेते, और आप लोग कहाँ लेते, आप लोग भी तो सर्च का काम मुफ्त में कर रहे हैं, मैंने तो किसी को नहीं देखा कि सर्च के काम के लिए आप कुछ पैसा मांगते हैं या कुछ करते हैं, एक से एक कविताएं आप करते हैं, एक से गाने आप गाते हैं, कोई भी मैंने देखा नहीं जो कहता हो कि नहीं इस काम में पैसा चाहिए। कितनों का आपने जागृति दी, कितनों को आपने पार कराया है, कितने ही सेंटर्स आपने बसाए, लेकिन मैंने कभी सुना नहीं कि इसलिए कोई मुझे कह रहा है कि माँ हमने इतनों को जागृति दी तो हमें आप उसका पैसा दीजिए, या उसके लिए कोई आप हमें खिताब दीजिए कि इतने 108 जागृति वाले या 1008 जागृति वाले, ऐसा कुछ नहीं। इस पर आपको हंसी भी आती कि ये सब क्या है। तो इन सब बाह्य चीजों से आप अपने आप ही उठ गए और आप अपने बारे में कुछ जानते ही नहीं। मुझे तो यही देख देख करके बड़ा आश्चर्य होता है कि आप अपने बारे में कुछ जानते ही नहीं, सब मुझे को गौरव दिए जा रहे हो। ऐसे कौन सी मैंने गौरव के काम किए हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता। आपके अंदर अपनी शक्ति है वो जागृत हो गई और आपने अपने आत्मा को प्राप्त किया और उस आत्मा की वजह से सब कुछ आपको हो गया। और कितनी गौरवशाली बात है कि आपने अपनी गौरव को प्राप्त किया। आप बंदूक लेके किसी को मारेंगे नहीं, कभी किसी का घर लूटेंगे नहीं, किसी औरत को विधवा नहीं करेंगे, किसी के बच्चे को आप अपहरण नहीं करेंगे, कभी कर ही नहीं सकते, मेरे कहने से नहीं। आप शराब नहीं पियेंगे, आप चरस नहीं खाएंगे, क्या क्या होता है दुनिया भर की गंदगी, आप कोई गंदी जगह नहीं जाएंगे, आप कोई गंदी चित्र नहीं देखेंगे, आप कोई गंदी किताब होगी उसे नहीं पढ़ेंगे, मुझे कहने की जरूरत नहीं, आप पढ़ेंगे ही नहीं, कोई गंदी बात करेगा आप सुनेंगे ही नहीं, आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। कितने शुद्ध हो गए आप और अपनी शुद्धता को आप कितने जतन से रखते हैं, उस जतन को आपने समझा ही नहीं। कोई ऐसी वैसी चीज होगी आप वहां से भाग निकलेंगे, मुझे नहीं चाहिए, और अगर कहीं जाना ही पड़ गया तो उसे एक नाटक की तरह से आप देखते हैं। बहुत से लोग बताते हैं मैं वहां गया था तो देखा वो सब शराब पी पी के कैसे घूम रहे थे, और मुझे बताते हैं सब कैसे कर रहे थे और किस तरह से औरतों के साथ वो बातचीत कर रहे थे, और मुझे आकर के सब वर्णन बताते हैं। तो ये दृष्टि जो कि एक साक्षी स्वरूप की है वो आपके अंदर अकस्मात आ गई। दूसरा आपस का प्रेम भाव, इस्लाम में इस पर बहुत कुछ कहा गया कि आपस में
प्रेम भाव, बंधुत्व और औरतों के लिए क्या सिस्टरहुड की बात भी करी। इस कदर आपस में प्रेम भाव है। बहुत दिन पहले की बात है कि सिसिली में एक लड़की इंग्लैंड से गई थी, पता नहीं किस काम से गई थी, वो टूरिस्ट के काम से कुछ गई थी, और दूसरी एक फ्रांस से वहां पहुंची। दोनों जने एक रेस्टोरेंट में कुछ खा रहे थे, देखते देखते एक ने दूसरे को देखा और न जाने क्यों उनको लगा कि इसमें कुछ वाइब्रेशंस आ रहे हैं। तो ये उठ के दूसरे के पास गई और उससे कहती, क्या तुम्हें श्री माता जी ने रियलाइजेशन दिया है? उसने कहा हाँ, और तुम्हें भी दिया है ना। और बस फिर दोनों एकदम गले से मिले। कहीं भी जाते आप, अमेरिका में जाएं, कहीं जाएं, बस सहयोगी देखकर दूसरों को, सहयोगियों को गदगद एकदम, कहाँ रखें इनकी, क्या सेवा करें, कैसे इनको रखें, कहाँ इनको देखें। मैंने कहीं सुना नहीं कि कोई सहयोगियों को किसी ने कहीं सताया। कोई भी कहाँ से आ जाए, यहाँ तक कुछ कुछ लोग फायदा उठाते हैं और झूठ मूठ कह करके जाएंगे और कहीं रह लेंगे, तो भी उनकी खातिर तवज्जो करेंगे। ये भी नहीं पूछेंगे कि तुम कहाँ से आए, तुम्हारे पास अथॉरिटी कुछ है, किसी ने तुमको चिट्ठी दी कि नहीं दी। कोई भी पहुंच गया, वो उसके बस सेवा में लग जाए। हर जगह एक साहब मद्रास में जाके उन्होंने कहा कि माता जी ने हमको भेजा है और हम यहाँ काम करने वाले। मुझसे पूछा भी नहीं, उसने कहा मुझे घोड़ा ला दो, तो उसको घोड़ा भी ला दी। उसने कहा मुझे ये ला दो, वो ला दिया। बाद में मुझे पता हुआ कि ये दुष्ट अपने ही मन से कोई गया हुआ है वहां, और मेरा उससे कोई संबंध भी नहीं। तो इस कदर प्रेम उमड़ता है लोगों में। दूसरे ये कि हर एक आदमी में कुछ न कुछ कभी थोड़ा सा रह भी गया, चक्र खराब रहे कुछ, तो भी उसको अत्यंत प्रेम से लोग देखते हैं। हाँ, जब तक बिल्कुल ही उसकी बुरी हालत न हो जाए। मैंने देखा है कि लोग सहते हैं, तकलीफ भी होती तो भी सहते हैं। इस आदमी से तकलीफ हो रही, उस आदमी से तकलीफ हो रही, तो भी सहते हैं। और मुझे बड़ा कभी कभी आश्चर्य होता है कि कुछ कुछ तो इतने ज्यादा पकड़े हुए लोग होते हैं, तो भी कभी मुझसे आके शिकायत नहीं करेंगे कि बड़े पकड़े हुए हैं, इनको सहयोग से निकाल बाहर करें। कोई चीज में मैंने सिर्फ एक ही में देखा कि अगर कोई मेरी निंदा करता है, तब आप लोगों से बर्दाश्त नहीं होती, तब फिर आपकी बर्दाश्त सब खत्म हो जाती है। ये तो मैंने देखा हुआ। और यही एक पहचान है कि आपको मुझसे बहुत प्रेम है, और इतना ज्यादा आपने प्यार मुझे दिया है, इतना ज्यादा मुझे भरोसा हो गया है। मेरा जो एक विचार था कि सारे संसार में जागृति हो जाए, जब तक जागृति नहीं होगी तब तक संसार के प्रश्न नहीं मिट सकते। क्योंकि हमारे प्रश्न, अब देखिए, इकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, और हम लोगों को इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है, और दुनिया भर के प्रॉब्लम्स हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, ये है वो है, प्रॉब्लम प्रॉब्लम बहुत ही आजकल हो गया। और इसका उत्तरदायित्व जो है, इसकी जिम्मेदारी जो है, वो किसकी है? इंसान की। इंसान ने ये प्रश्न खड़े कर दिए, और यही इंसान अगर बदल जाए और इसके अंदर वो विश्व बंधुत्व आ जाए, यूनिवर्सैलिटी आ जाए, हो गया। झगड़ा किस चीज का करेगी? अगर सभी एक चीज को मानते हैं, सबको एक ही चीज मालूम है, तो झगड़ा किस बात का? और फिर ये जो सारे प्रश्न हैं, ये भी किस तरह से अपने आप ठीक हो जाते? अब देखिए, इतना सुंदर आपका आश्रम बन, आप लोगों की इच्छा, आप लोगों का मन, ये बहुत बड़ी चीज है। अब आप जब भी अखबार पढ़ें, तो सामूहिक तरह से आप इच्छाएं करें कि माँ, पंजाब का जो है सारा प्रश्न छूट जाना चाहिए। छूट जाएगा। कुछ ना कुछ बन जाएगा। आपको और भी कोई प्रश्न हो, दरिद्रता अपने देश की बहुत है, वो सिर्फ दरिद्रता दरिद्रता करने से नहीं जाएगा। जैसे नदी के बीच की धारा, ऐसे हम लोग
बीच की धारा में हम लोग बड़े रईस भी नहीं है और बड़े गरीब भी नहीं। जब बीच की धारा बढ़ती जाएगी तो इधर रईस भी इसमें आ जाएंगे और गरीब भी इसमें समा जाएंगे, और इसी तरह से हमारे प्रश्न छूटेंगे। बहुत से लोग गरीबी चाहते ही हैं कि हो, जिससे उनका बोलबाला बना रहे। अब आप लोगों के खुद आप शक्ल देखिए कि सबकी कितनी तेजस्वी शक्लें हो गई। कोई अगर एयरपोर्ट पे देखते हैं तो कहते भाई ये किसके शिष्य आए, सबकी शक्लें इतनी तेजस्वी। पर मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो कि गेरुआ वस्त्र पहन के सब बाल वाल काट कूट करके और खड़े हुए हैं वहाँ, और देखने में तो ऐसा लगता है कि जैसे अभी अस्पताल में जाने वाले। और उनके कोई कोई ऐसे दिखाई देते हैं कि क्रोधी, जैसे कि उनसे दूरी से बात करो ये तो इतनी गर्मी आपके पास आएगी कि पता नहीं अभी कुछ बात करी और ये झापड़ ही न मार दे। तो किसी में भी आप नहीं पाइएगा इस तरह की शालीनता, इस तरह का प्यार, इस तरह का प्रेम आपस का, ये किसी भी समाज में नहीं है, हमारे सहयोग में है। और इसके लिए आपका अभिनंदन होना चाहिए और आपकी विशेषता होनी चाहिए। आप लोग अब मेरी पूजा करते हैं, उससे वो कहते हैं फुला भाव होता है, जो भी होता हो उसके लिए मैं क्या करूं, लेकिन ये जरूर कहूंगी कि इस पूजा के पीछे में आप लोग, आप अगर ऐसे नहीं होते तो कितनी भी पूजाएं हो, कुछ हो, क्या मंदिरों में कम पूजाएं होती है, कितने स्वयंभू बने हुए हैं, क्या कुछ कम होता है, बहुत कुछ होता है, लेकिन किसी के अंदर कुछ घुसता ही नहीं। इतना करते हैं अभिषेक देवी पर, ये वो दुनिया भर की चीज, कुछ उनके अंदर घुसता ही नहीं। फिर जैसे कि वैसे जो करना है वो करेंगे ही, जो गलत काम है वो करते ही रहेंगे, कुछ उनमें विशेषता नहीं आती। लेकिन सहयोग एक बड़ी विशेष चीज है, और आज देखिए इतने देशों में सहयोग फैल गया, इतने देशों में फैल गया है, मुझे बड़ा आश्चर्य था। इतना तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना हो जाएगा, सोचा था कुछ हो जाएंगे लोग फिर वो आगे करते रहेंगे, लेकिन मेरी जिंदगी में इतने लोग इसे प्राप्त करेंगे इतना मैंने कभी नहीं सोचा था। और जो मेरे मन में एक स्वप्न था वो वाकई आज साकार हो गया। और ये देख और अब जब कुछ भी आप लोग करें, कुछ भी आप सोचे, किसी भी चीज में आप हाथ डालें, पहले याद रखना चाहिए कि हम योगी जन हैं, हम सर्वसाधारण नहीं, हम योगी जन विशेष हैं, और इसलिए हमको विशेष रूप से सबकी ओर नजर करना चाहिए और देखना चाहिए, और जितने लोग हो सके उनको योगी बनाना चाहिए। इसी से सारे संसार का भला होने वाला है, जैसे हमारा भी भला हुआ। आज मेरे जन्मदिन के दिन यही कहना है कि आप लोगों का भी फिर से जन्म हो चुका है, और हर जन्मदिन पर आयु बढ़ती ही जाती है। आयु के साथ अगर आप में प्रगल्भता ना आए, मैच्योरिटी नहीं आए, तो ऐसे आयु बढ़ने से कोई फायदा नहीं। आप भी अब सहयोग में बढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें जरूरी है कि हमारे अंदर प्रगल्भता आए, मैच्योरिटी आनी चाहिए। जब आप धीरे धीरे इसमें मैच्योर हो जाएंगे तब आप स्वयं ही एक बड़े भारी वृक्ष की तरह अनेक लोगों का फायदा कर सकते हैं। आप सब में ये शक्तियाँ आई हैं, और मैं चाहती हूँ कि मेरी सारी शक्तियाँ, जो कुछ भी आप सोचते हैं, आप सब में आ जाए और आप सब एक से एक बड़े हो जाए। वहाँ तो हमेशा यही सोचती कि अपने बच्चों को अपने से भी कहीं अधिक ज्यादा मिलना चाहिए और सुख मिलना चाहिए, और बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग इतने आनंद में बैठे हुए हैं और उस निर्वाण का उपभोग ले रहे हैं जिसके लिए बहुतों ने अनेक प्रयत्न किए थे, और इतने सहज में सब आपने प्राप्त कर लिया, ये भी आपकी पूर्व पुण्याई है। मेरा आप सब पर अनंत आशीर्वाद तो है ही, लेकिन हर समय ख्याल बना रहता है, हर जगह का पता नहीं ख्याल बना रहता है, और जब आपको छोड़ के जाते हैं तो ऐसा लगता है कि किसी ने मेरा दिल ही खींच लिया। फिर यही सोचती हूँ कि अगले
जहाँ जाना है वहाँ कितने लोग खड़े होंगे, जब उनको देखते हैं तो फिर ये सारा कुछ ऐसा लगता है ठीक है, यहाँ के बच्चे वहाँ हैं और वहाँ के बच्चे भी हैं, और ये सारा कुछ जो है वो पूरी तरह से तृप्त हो जाएगा। इस तरह से चल रहा है और सफ़र बहुत हो रहा है, और मुझे अभी तो लगता नहीं कि मैं कोई 70 साल की हो रही हूँ। आप सबको देख करके बहुत आनंद से भी बोर हूँ मैं, और ये सोचने उचने का तो समय ही नहीं रहता कि उम्र क्या हो रही है अपनी। तो सबको अनंत आशीर्वाद है आज।